बिस्मिल आई एम योर साइंस टीचर क्लास सिक्स साइंस फैक्ट फाइल वन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ट्वेंटी फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर टू लाइफ एंड लिविंग थिंग्स एंड द पेज नंबर इज ट्वेंटी वन स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स ये आपको कुछ सेल्स uh, दिखाए हुए हैं स्पेशल ये सेल्स दिखाए हुए हैं और इनकी आगे आपको फर्दर इनकी जॉब्स बताई हुई हैं कि ये हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमेंस एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं जिनकी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यानी कि मल्टी सेलुलर हम भी हैं इंसान भी हैं एनिमल्स भी हैं है, और प्लांट्स भी हैं अब हमने देखना है कि जो स्पेशल सेल्स हैं ये, है, ये हम में क्या रोल प्ले करें प्लांट्स में क्या रोल प्ले करें और एनिमल्स में ये क्या रोल प्ले करें ई सेल इज़ सूटी टू द जॉब इट हैज़ टू Do. ये आपको नर्व सेल्स दिखाएं यानी कि ब्रेन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं नर्व सेल्स बोलते हैं ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं ये क्या है? होते हैं लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर नेक्स्ट है हमारे पास एपी सेल्स ये क्या होते, है? होते हैं थिन होते हैं यानी कि ब्रिक्स से होते हैं और फ्लैट होते हैं आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं अब इन्होंने किस किस चीज़ को कवर किया होता है हमारी स्किन को दे आर फाउंड इन लेयर्स कवरिंग सरफेस सच एज स्किन स्किन को किया जाता है लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स यानी कि जो सी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लाइनिंग लाइनिंग को भी इसने कवर किया होता है एंड एलिमेंट्री कनाल एलिमेंट्री कनाल किसे कहते हैं ये लॉन्ग ट्यूब होती हैं जो हमारे मुंह से स्टार्ट होती हैं यानी कि माउथ से लेके एनस तक ये लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल दिस सेल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड अब्जॉर्बशन और ये सेल्स क्या किस लिए हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं और अब्जॉर्बशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स ये आपको दिखाए हुए हैं पोलन ग्रेन्स आर सेल्स सम पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पाइकी सरफेस इनकी क्या होती है स्पाइकी सरफेस होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट की बॉडीज के साथ स्टिक हो जाती है ठीक है टू हेल्प देम स्टिक टू द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट की बॉडी के साथ क्या हो जाती है स्टिक हो जाती है अदर हैव टाइनी विंग्स टू इनेबल दैम टू बी कैरीड बाई दिन बोथ अडेप्टन हेल्प इन पोलिनेशन और ये जो सी एडप्टेशन है इनको किस में हेल्प आउट करते हैं इनकी पोलिनेशन में इनकी हेल्प करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और इनके पास क्या होता है लार्ज सरफेस एरिया होता है जितना इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसकी वजह से ये लॉड्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर रहा होता है पिक कर रहा होता है दे हैवसर सरफेस एरिया टू पिक अप लॉर्ड्स ऑफ ऑक्सीजन तो स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर ट्वेंटी वन की अच्छे से रीडिंग करनी है ये था हमारा आज का लेसन ओके अला हाफिज़